अगली खबर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर पर हमला बोला है। उन्होंने वीर सावरकर की वो चिट्ठी सार्वजनिक की है जिसमें वह अंग्रेज सरकार से उनके साथ काम करने की इच्छा जता रहे हैं। राहुल ने उनके स्वतंत्रता वीर होने पर एक तरह से सवाल खड़ा किया है। राहुल के इस बयान के बाद हिंदू महासभा आक्रोशित है। वीर सावरकर को पूछती आ रही हिंदू महासभा का कहना है कि 13 साल तक अंडमान की जेल में रहे हैं, इसके बाद भी राहुल गांधी का बयान अशोभनीय है। हिंदू महासभा ने राहुल गांधी को 24 घंटे के अंदर माफी मांगने की चेतावनी भी दी है। साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर प्रदेश में राहुल को प्रतिबंधित करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान 2 दिन पहले महाराष्ट्र के वासिम में उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे RSS, भाजपा, हिंदू महासभा व शिवसेना जैसे हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए। वैसे तो कई मौके पर राहुल गांधी वीर सावरकर पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिया के सामने एक पत्र के संबंध में बयान दिया है। यह पत्र उस समय का था जब वीर सावरकर ने पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार को लिखा था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। हर तरह राहुल गांधी और वीर सावरकर की ही चर्चा हो रही है। कोई FIR की मांग कर रहा है तो कोई माफी की मांग कर रहा है। दरअसल बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत है जो अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके, तो दूसरी तरफ सावरकर हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। अंग्रेजों ने उन्हें 2-3 साल अंडमान की जेल में बंद कर दिया तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से कहा कि हमें माफ कर दो। इतना ही नहीं, वे अंग्रेजों से पेंशन भी लेते थे, जिस पर हंगामा मच गया। सावरकर पर दिए बयान पर जब राहुल गांधी चौतरफा निशाने पर आए तो उन्होंने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो पक्के सबूतों के साथ बोला है। राहुल ने कहा कि ये वही चिट्ठी है जो सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। वीर सावरकर पर दिए राहुल गांधी के बयान के बाद पूरे देश में हिंदूवादी संगठनों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसमें ग्वालियर की हिंदू महासभा में भी रिएक्ट किया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी वीर सावरकर पर दिए बयान पर माफी मांगे। ऐसा नहीं करते हैं तो हिंदू महासभा अपने तरीके से जवाब देगी। साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की है। अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश सरकार से मांग करती है कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गत दिवस उन्होंने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी एवं उनके परिवार के प्रति अपमानजनक जो टिप्पणी की है। जिस सावरकर जी ने 13 साल लगातार अंडमान की काली कोठरी में बिताए, ऐसे राष्ट्रवीर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी जी को 24 घंटे के अंदर माफी मांग लेनी चाहिए।